सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, अनेकों क्रांतिकारियों ने इस भारत के स्वतंत्रता होने में, इसको आज़ाद होने में अपनी जान की बाजी लगाई, उन्हीं में से एक झांसी की रानी भी रहीं। उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप इस बड़ी मुश्किल से जो भारत को आज़ादी मिली है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं लेता हूं उस सवाल को जो कल हमने आपसे पूछा था। कल सवाल हमने पूछा था कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर था अरस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, जिनमें है अंकित निर्मल, शिवांगी प्रजापति, विवेक देशवाल, परमवीर सिंह, दिव्या शर्मा, यश शर्मा, शमशेर खान, अनुराग गोस्वामी, राज सिंह, नीलम सोलंकी, सौरभ नादर, चंद्रवीर चौधरी, लोकेश कुमार, इशेंद्र मौर्य, पारुल सिंह, मनीषा बेनीवाल, सबीर हुसैन, सचिन चौधरी, ललित नादर, प्रमोद कुमार, बोलू शाहपुरिया, निशांत चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ऋचा चौधरी, गौरी ठाकुर, ललित फौजदार आदि। इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप सब लोगों के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं लेता हूं आज का पहला सवाल। इस सवाल को लेने से पहले आप सब लोगों से विनम्र निवेदन कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर आपको अंत में अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने हमने लगा दिया है कि राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, खाना, मेरा खजाना, लस्सी या मेरा दिल। इसका जो भी उत्तर आपको सही लगता है, सब लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए, इसका आंसर आप सब लोग बता दीजिए, सब लोग इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है आप लोग बताइए। 1 2 3 4 आप कमेंट करिए जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, ठीक 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 है। इसका मित्रों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लस्सी। दोस्तों, राधा भाटिया की किताब लस्सी को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुकबुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती हैं। दोस्तों, इस खिताब की अपने आप में एक अलग अहमियत है। ये जो अवार्ड है मित्रों, इंटरनेशनल कुकबुक अवार्ड जो है, ये स्टार्ट हुआ था 1955 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट किया था, इनका नाम है एडवर्ड क्विंट्रू और इसको यूएन जो है देता है। सबको क्लियर है इस बात में, सबको आ रहा है समझ में? तो लस्सी जो है किताब है, इसको जो है इस बार का अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो अगला सवाल मैंने आपके सामने लगा दिया है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर रामविलास पासवान? दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, 1 2 3 4 आप जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए चलिए, इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर 2, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन होगा। इसमें क्या होगा कि 6800 से अधिक जो ऑनलाइन जो योजना है उनको वर्चुअली जो है दिखाया जाएगा, यानी चूंकि कोविड के चलते काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं तो इस कारण से इस डैशबोर्ड पर 6800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन किया जाएगा। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगर निर्मला सीतारमण की बात कर लें तो निर्मला सीतारमण जो है वो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। अगर आपसे बात करें निर्मला सीतारमण के बारे में तो ये पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और मित्रों रक्षा मंत्री ये एकमात्र ऐसी रक्षा मंत्री थी भारत की जो महिला थी, यानी पहली और अभी तक एकमात्र हैं जो रक्षा मंत्री रही हैं। इसके पहले ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री भी रही हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी ये पहले रह चुकी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण रह चुकी हैं। मित्रों, ये राज्यसभा की सदस्य हैं, मेंबर ऑफ अपर हाउस, यानी कि उसकी सदस्य हैं। सबको क्लियर हो रहा है? चलिए मैं अगले सवाल की ओर चल देता हूँ। अगला सवाल आपसे कह रहा है
कि वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े किस चीज़ की खोज की है? बर्फ के टुकड़े की, महासागर की, वायुमंडल की, इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पता होगा कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, वो बृहस्पति और मंगल के बीच में आती है। भाई बृहस्पति का ग्रेविटेशनल सबसे ज़्यादा है, बराबर में जो सैटर्न है, सैटर्न का गैसीय ग्रह, उसका ग्रेविटेशनल कम है। इस कारण से बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट बन गई है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट है क्या? कुछ भी नहीं, वो केवल और केवल सूरज के आसपास लगा रहे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका एक झुंड है। वो झुंड वहाँ बीच में इकट्ठा हो गया है। तो उस झुंड में बहुत सारे घने झुंड होने के कारण से वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि वो बहुत ही एक बेल्ट के रूप में वहाँ पे दिखाई देता है। तो आपसे अगर उत्तर में पूछता है बताओ उसमें किसकी खोज की गई है, तो इसका सही जवाब है महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 2। मित्रों, इसमें आप कह सकते हो कि वैज्ञानिकों ने सेरेस, बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े महासागर की खोज की है। इस खोज ने बौने सेरेस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में संकेत दिए हैं। जब पानी है तो ऑक्सीजन होगा, और इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर जीवन की संभावना भी तलाशी गई है। तो इस कारण से इस दिशा में अच्छे कदम आगे बढ़े हैं, किंतु तापमान कम होने के कारण से कुछ संभावनाओं पर विराम भी लग रहा है। दोस्तों, अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। अगला सवाल है कि इंडियन प्रीमियर लीग, प्रीतियम नहीं है, प्रीमियर है, ठीक है, आईपीएल जो होता है, कि मेजबानी के लिए बीसीसीआई ने किस क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी दे दी है या किसको मिल गई है? पाकिस्तान, श्रीलंका, एमिरेट्स, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। क्या इसका ठीक उत्तर है? बताइए बताइए बताइए, सब लोग बताइए, बताओ ना, बोलो, जल्दी जल्दी लिखा करो, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी टाइप करो ना आप लोग, जल्दी जल्दी टाइप करो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निशांत हैं क्या? निशांत निशांत, हाँ हाँ हाँ, निशांत भाई बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा है एकदम। चलिए चलिए, एमिरेट्स, यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, संयुक्त अरब अमीरात का जो क्रिकेट बोर्ड है। तो इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए बीसीसीआई ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। आईपीएल इस बार 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। 10 सितंबर से और 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। आईपीएल के मैच के लिए 20 अगस्त के बाद यूएई रवाना हो जाएंगे, जो टीम्स हैं वो 20 अगस्त के बाद जो है यूएई को चली जाएंगी। अगर मैं आईपीएल की बात करता हूं मित्रों, तो आईपीएल आप बताइए कब शुरू हुआ था, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए आईपीएल कब चालू हुआ था, बोलो बोलो, सन लिखना है आपको, 2007, 2008, 2009, 2010 या जो भी आपको पता है। बहुत बढ़िया, 2008 में हुआ था। इससे पहले साल 2008 में भारत ने जीता था 2020 वर्ल्ड कप, उसी का परिणाम था कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ। इसको कौन कराता है? तो इसको बीसीसीआई कराती है, बीसीसीआई का अपना ये गेम है। इसमें सभी टीमें, अभी सभी जो जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, उनके जो बल्लेबाज और गेंदबाज यानी उनके खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, 2019 इसका आखिरी संस्करण था, यानी 2019 में हुआ था, 2020 वाला भी होना है। इसको जीता था मुंबई इंडियंस ने, मुंबई इंडियंस ने इसको जीता था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम है और उसने 4 बार इस खिताब को जीता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, तो कमेंट में आप बताइए जल्दी जल्दी, सबसे ज़्यादा रन किसके हैं आईपीएल में, सब लोग बताइए, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, यहाँ से मैं इसको हटा के फिर आगे बढ़ूँगा। आप इतने में कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आखिर किसके सबसे ज़्यादा रन हैं आईपीएल के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विराट कोहली, सबसे ज़्यादा रन है विराट कोहली के। दोस्तों, विराट कोहली जो हैं आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, और उनके नाम 5412 रन हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो लसित मलिंगा, लसित मलिंगा के नाम आईपीएल में सर्वाधिक विकेट हैं। और मित्रों, लसित मलिंगा ने आईपीएल में 170 विकेट लिए हैं टोटल अभी तक, आगे संख्या इसकी बढ़ती रहेगी। सबको क्लियर हो रहा है? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चले जाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, यह पुस्तक किससे संबंधित है? आपको बतानी है कि किससे संबंधित है यह पुस्तक। पुस्तक का नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली? मित्रों, आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों का ही निधन हो चुका है। सुषमा स्वराज जी पूर्व में विदेश मंत्री रही हैं, अरुण जेटली पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं। इसका सही जवाब है मित्रों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसने किया है, तो आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया है।
इस पुस्तक का शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का ई संस्करण जारी किया है। तो आपको इसमें कई सारे सवाल मिल रहे हैं, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू हैं। किताब का क्या नाम है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, और इसको किसने, इसका ई संस्करण किसने लॉन्च किया, तो जो अपने सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने किया है। सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नीलम सोलंकी, इस तरीके से ही आपको अच्छा लगता है ना, ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो चले, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से ही रखेंगे। कल का सेशन में थोड़ा नाम लेने का था, आप सब लोगों को बहुत था कि नाम लीजिए, तो इसलिए कल मैं नाम ले रहा था सब ज़्यादा लोगों के, इस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आगे सारी की सारी वीडियोस आपको इसी अंदाज में और बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा गागड़ में सागर के तरीके से ही मिलती रहेंगी, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करिए। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से यानी कि आज से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। स्टेट बैंक ने, सेबी ने, केंद्र सरकार ने या नीति आयोग ने? आपको इसका जो भी ठीक जवाब लगता है आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में इसमें टाइप करके बताइए कि किसने, स्टेट बैंक ने किया है या सेबी ने किया है या केंद्र सरकार ने किया है या नीति आयोग ने किया है। नहीं नहीं, इसका सही जवाब है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में, केंद्र सरकार इसका ठीक जवाब है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज से यानी 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की घोषणा की है। आपको जानकारी होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से 370 आर्टिकल को रिमूव किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से ही इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध था। अब वहाँ पर तेज स्पीड वाली सेवा की भी शुरुआत की जाएगी और यह शुरुआत 15 अगस्त यानी आज से की जा रही है। आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। दोस्तों सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। आज के सवाल बेहद खास हैं, आप लोगों के दिल को छू जाने वाले क्वेश्चंस हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है। इम्यूनिटी यानी कि, इम्यूनिटी का मतलब होता है तंत्र का तंत्र को मजबूत करने वाली या फिर हम रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने वाली एक कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो ऐसा हिम हल्दी दूध किसने लॉन्च किया है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसका सही उत्तर है मित्रों, सब लोग बताइए, 1 2 3 4 कमेंट करिए, 1 2 3 4 कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। इसका सही उत्तर है मित्रों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पोषणयुक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्क फेड के लिए हिम हल्दी दूध का लोकार्पण किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत मंडी, शिमला और कुल्लू जिले के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की है। दोस्तों अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। सब लोगों को बताना है, सब लोगों को इसका उत्तर देना है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। बतो बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शिमला इसकी विधायी राजधानी है। शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिमला है, लेकिन दोस्तों इसकी एक और राजधानी है, आपको पता होना चाहिए, धर्मशाला। ये इसकी विंटर कैपिटल है, यानी कि सर्दियों के समय में इसकी जो राजधानी है वो धर्मशाला वहाँ पे चली जाती है। तो एक पता होना चाहिए, इसकी दो राजधानियाँ हैं, शिमला भी है और धर्मशाला भी है, लेकिन विधायी राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वो शिमला ही है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। मित्रों इस हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के 12 जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 जिले हैं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों यहाँ पे जो गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, जो यहाँ पे गवर्नर हैं राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पे गवर्नर, जो अगर गवर्नर का नाम पूछ ले आपसे तो भंडारू दत्तात्रेय, यहाँ पे गवर्नर हैं। अगर आपसे पेपर के अंदर सवाल, इसको मैं हटाता हूँ जरा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे गवर्नर हैं। सब लोग यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इतने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी जो CM हैं वो जयराम ठाकुर हैं। ये BJP से आते हैं, यानी कि यहाँ पे BJP की सरकार है, जयराम ठाकुर यहाँ पे CM हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में एमएलए का मतलब होता है विधानसभा में कुल मिलाकर के 68 सीटें आती हैं।
दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या कमेंट बॉक्स में बताइए और लोकसभा की कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। बताइए हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट, बोलो बोलो बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है राज्यसभा सीट। तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं राज्यसभा की, जिन्होंने भी 3 बोला है बहुत बढ़िया, और 4 सीटें हैं लोकसभा की। सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदान का सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इस प्लेटफॉर्म में समाहित है क्या चीज़ है, फेसलेस असेसमेंट है या फेसलेस अपील है या करदाता चार्टर है, यही सारी चीज़ें हैं। आपको इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में जो भी आपको लगता है वो बताना है। सरकार द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदान का अभी जो है हाल ही में इसका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ईमानदार है, यहाँ पे ईमानदार लिख कर लीजिए, यहाँ इस पर ईमानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस मंच में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, करदाता चार्टर जैसे प्रमुख सुधारों को समाहित किया गया है। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे वे प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा की ओर भी आगे ले जाएगा, यानी कि इसके सभी ऑप्शन ठीक है। इसमें फेसलेस असेसमेंट भी होगा, अपील भी और करदाता चार्टर, यानी तीनों चीज़ें होंगी। तो आप इसका कह सकते हैं कि इसके सारे के सारे ऑप्शंस ठीक हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से रख लीजिएगा। अगला सवाल मैं आपके सामने लगा देता हूँ। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट यानी कि निजी कंपनी है। स्काईरूट एयरोस्पेस, दिगांतरा, एस्ट्रोम या विलाट्रिक्स, यानी कि घरेलू रॉकेट इंजन इंपॉर्टेंट चीज़ है। घरेलू रॉकेट इंजन को बनाना, यानी अपने इंडिया के अंदर ही एक कंपनी अब रॉकेट जो है उसका निर्माण करेगी। वो रॉकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंतरिक्ष एजेंसीज में, रॉकेट आप समझ रहे हैं ना, रॉकेट का अर्थ आप एक तरीके से समझिए मिसाइल की तरीके से, यानी कि जो सैटेलाइट को लेकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है या वहाँ पर स्थापित करता है जहाँ उसको स्थापित करने के लिए भेजते हैं। इसका सही उत्तर है मित्रों पहला ऑप्शन, यानी स्काईरूट एयरोस्पेस। दोस्तों एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने ऊपरी चरण के एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। यह घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। इस जो रॉकेट है इसको नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सर सीवी रमन को, और सीवी रमन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। दोस्तों अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। अगला सवाल भी बेहद खास आपके लिए मैंने लगा रखा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में वहाँ की जनता द्वारा चुना गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कहाँ की जनता के द्वारा चुना गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जल्दी में ये राष्ट्रपति बने हैं, बताइए कहाँ के, बेलारूस के, आर्मेनिया के, सर्बिया के, कजाकिस्तान के, जल्दी से आप ऑप्शन में टाइप कर दीजिए 1 2 3 4। सब लोग बताइए, आनंद, शिव, सचिन, ललित, सब लोग बताइए, परमवीर सिंह, सब लोगों को इसका उत्तर देना है जो भी आपको ठीक उत्तर लगता है। शिवांगी, सब लोग बताइए 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 बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब लोगों को बताना है। ज्योति जादौन, सब लोग बताइए ना। इसका सही उत्तर है मित्रों बेलारूस, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल ही में हुए चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। नतीजे की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बताया कि लुकाशेंको को 80.23% मत मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी स्वेतलाना तिखानोस्काया को महज 9.9% वोट हासिल हुए हैं, यानी एक तरफा इनकी जीत है। 80.29% इनको वोटिंग मिली है। अगर बेलारूस की मैं बात कर लेता हूं तो बताइए बेलारूस की राजधानी क्या है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेलारूस जो है वो यूरोप में आता है। बेलारूस कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में है। आपको मालूम होगा कुल मिलाकर के पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें यूरोप, एशिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा अंटार्कटिका, पांचवा है नॉर्थ अमेरिका, छठा साउथ अमेरिका और उसके बाद में अफ्रीका। ये कुल मिलाकर के 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर बेलारूस की बात करें तो यूरोप में है बेलारूस। बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क। यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। सबको क्लियर हो रहा है मिन्स्क यहाँ की कैपिटल है। दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऊपर नाम लिखा हुआ है आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की बात करें, PM की बात करें तो रोमन गोलोवचेंको ये यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अगर यहाँ की करेंसी की बात करते हैं
तो जो बेलारूस है, बेलारूस की करेंसी, एक बार आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो टाइप कर दीजिए। तो जो ये आपको जानकारी होगी कि जो बेलारूस है वो USSR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस यानी कि सोवियत संघ से अलग हुआ है, और सोवियत संघ से अलग हुआ है तो आपको जानकारी है कि सोवियत संघ की जो कैपिटल थी वो रूबल थी, तो इस कारण से यहाँ की भी जो करेंसी है वो रूबल ही है। अगर बात कर लेते हैं कि तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो है यूरोप के अंदर एक देश है। मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है, या अनिवार्य शिक्षा से है? आपको जो भी इसका सही उत्तर लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। लाइव चैट में नहीं लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम कल के सेशन में लिया जाएगा। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करके अपना छात्र धर्म निभाइए। हम डेली अच्छी अच्छी क्लास ला करके अपने शिक्षक धर्म को निभा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।